फ्रेंड्स कैसे हैं आप, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स दिसंबर मंथ आने वाला है, तो आज हम दिसंबर मंथ की फर्स्ट वीक की एनर्जीज चेक करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एयर साइन की। तो आज मैं आपको एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा की ज़ोडिक साइंस की आपको रीडिंग दूंगी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए दो दो कार्ड्स निकालूंगी, दो पर्सनल लाइफ के लिए और दो प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और उसके बाद मैं एक यूनिवर्स से आपके लिए सजेशन दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक्वेरियस की रीडिंग दूंगी। एक्वेरियस में सबसे पहले कार्ड जो हमारे पास आया वो आया है पेज ऑफ पैंटिकल्स का। पेज ऑफ पैंटिकल्स ये कहता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। यदि आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, तो आप चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कीजिए, पॉजिटिव वे में देखना शुरू कीजिए, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो है अच्छी प्रोग्रेस होगी और आप जो हैं अपने एम्बिशन में कामयाब होंगे। तो यही आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कीजिए प्रोफेशनल लाइफ में। एक्वेरियस आपका दूसरा कार्ड प्रोफेशनल लाइफ के लिए टावर का कार्ड आया है। टावर ये कहता है कि यदि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, या बिज़नेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है अभी इसी टाइम पर, तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी और आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, या जैसा भी आपका पहले समय था वो समय जो है अब बदलने के लिए तैयार है। तो यदि आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही थी, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो अब वो समय जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगी। तो एक्वेरियस हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखते हैं। पर्सनल लाइफ में सबसे पहले हमारे पास डेविल का कार्ड आया था, तो डेविल कार्ड बट ये रिवर्स में आया था, तो रिवर्स के लिए ये अच्छा माना जाता है। तो जो भी पहले आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी चल रही थी, आप लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, फाइट्स हो रही थी, या जैसा भी आपका जो भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम सब ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि ये रिवर्स में आया था। तो नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो पर्सनल जो लाइफ है वो अच्छी तरह से प्रोसीड करेगी। तो जो सिंगल लोग हैं उन्हें कोई न्यू पार्टनर भी मिल सकता है और आपके लिए अब खुशियों का टाइम है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दूसरा कार्ड आपके लिए आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज़ को जो आपके पास नहीं, आप उस चीज़ को लेके उदास हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप उदास मत होइए। आप अपनी पर्सनल लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखिए, नेगेटिविटी से बाहर आइए, थोड़ा अपने आसपास कुछ पॉजिटिव माहौल क्रिएट कीजिए ताकि आप अपनी पर्सनल लाइफ को एक अच्छी तरीके से जी सकें। और जो भी आपके पास है आप उसको देखिए और आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिए, बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, और जो भी आपके लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यूनिवर्स की तरफ से भी आपके पास ये सजेशन आया है, एट ऑफ स्वर्ड का कार्ड आया है मेरे पास। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपने अपने आप को किसी नेगेटिविटी में बांधा हुआ है, चाहे वो प्रोफेशनल तरफ से हो या पर्सनल तरफ से है, तो प्लीज़ आप अपने आप को अपने आँखों की जो पट्टी है वो हटा दीजिए, अपने आप से जो नेगेटिविटी है वो दूर कर दीजिए और आप एक पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करिए। जैसे ही आप पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करेंगे, आपके पास जो चीज़ें हैं वो अच्छे से प्रोसीड होना शुरू हो जाएंगी। यूनिवर्स आपको यही सजेशन दे रहा है कि आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर आइए, अपने आप के बंधनों से बाहर आइए, आपने अपने आप को नेगेटिविटी में जो जकड़ा हुआ है उससे बाहर आइए। उसके पास हमारे पास जो कार्ड आया है वो है जेमिनी का। जेमिनी आपके पास प्रोफेशनल लाइफ में सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है कि यदि आपको प्रोफेशनल लाइफ में जीत चाहिए, तो आपको अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट भी करनी होगी और चीज़ों को बैलेंस भी करना होगा। आप जितना आज अपनी चीज़ों को बैलेंस करते जाएंगे, उतनी ही आप जीत के करीब जाते रहेंगे।
तो आपकी अगर जॉब सही नहीं चल रही है तो आप उसके लिए स्ट्रगल कीजिए। अगर आपके पास इस टाइम पे जॉब नहीं है या आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि परंतु उसके लिए आपको स्ट्रगल करना ज़रूरी है और मेच्योरिटी के साथ सोचना बहुत ज़रूरी है और आपको चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इन चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे तो आपका दूसरा कार्ड बहुत ही अच्छा है, एस ऑफ स्वर्ड का कार्ड। एस ऑफ स्वर्ड ये कहता है कि आपकी जीत होगी, स्ट्रगल के बाद यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, तो आप अपना काम जो है वो बहुत ईमानदारी से कीजिए, आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कीजिए और आप तब आप देखेंगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपके बिजनेस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और आप चीज़ों को बैलेंस तरीके से कर पाएंगे। तो जेमिनी, आपके लिए पर्सनल लाइफ में हमारे पास कार्ड जो आया है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि यदि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी पहले प्रॉब्लम चल रही थी तो इस टाइम पे उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ मुकाबला करने के लिए अपनी चीज़ों को सही तरीके से प्रोसीड करने के लिए आप तैयार हैं, आप अच्छे से सोच रहे हैं कि आप किस तरह से किस पॉजिटिव वे में अपनी चीज़ों को, अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को, रिलेशनशिप को सही कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ को सही तरीके से प्रोसीड करते हैं तो आपके पास आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड भी है और एक बहुत ही अच्छे हैप्पी मैरिड कपल का भी है। तो अगर कोई सिंगल है तो उसको कोई न्यू पार्टनर भी मिल सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, नया घर भी मिल सकता है। और ये कार्ड बहुत अच्छा है, सेलिब्रेशंस का कार्ड है और मैरिज टाइम चल रहा है, दिसंबर मंथ, तो मैरिजेस काफ़ी हो रही हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की मैरिजेस का भी यहाँ पर योग बन रहा है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की मैरिज भी हो जाए। तो ये अगर सिंगल हैं तो फिर कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सजेशन ये आ रहा है, सिक्स ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड जो है हमारे पास आया है। सिक्स ऑफ वॉन्ट्स ये कहता है कि आप अपनी चीज़ों के लिए फाइट कीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो तो आपकी जीत निश्चय ही होगी। तो आप अपनी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव वे में देखिए, नेगेटिविटी को हटा दीजिए, तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में होगा और आपकी जीत निश्चय होगी। तो लीब्रा, आइए अब आपकी रीडिंग देखते हैं। लीब्रा, आपके लिए हमारे पास आया है सिक्स ऑफ स्वर्ड का कार्ड। सिक्स ऑफ स्वर्ड ये कहता है कि यदि जॉब आप चेंज करना चाहते हैं या आप किसी दूसरी जगह पे जाके जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेवल का कार्ड भी माना जाता है। और लेकिन आपकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो होगी, लेकिन होगी ज़रूर। तो आप और हो सकता है कि आप दूर तक की चीज़ों को, किसी जॉब के मामले में या बिज़नेस के मामले में आप दूर तक चीज़ों को सोच रहे हैं, तो आप जो भी सोच रहे हैं वो हो सकता है। तो इसलिए आप कोई जर्नी भी कर सकते हैं और आप किसी भी बात को लेके दूर तक सोच रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरा आपका प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आपके पास पेंटिकल्स हैं, आपके पास सब कुछ है, फुल ऑफ अबंडेंस का कार्ड है, लेकिन आपने आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, तो प्लीज़ आप उस नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। पर्सनल लाइफ में लीब्रा, आपका जो कार्ड आया है वो हमारे पास ये आया है फोर ऑफ स्वर्ड का कार्ड। फोर ऑफ स्वर्ड ये कहता है कि आप पहले शायद कुछ नेगेटिविटी में थे, कुछ स्ट्रेस में थे ज़्यादा, तो इस टाइम पे आपकी हीलिंग चल रही है, आप थोड़ा सा अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप या आप पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में शायद आपके में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो आपकी हीलिंग हो रही है, तो आपकी जो चीज़ें हैं अब वो अच्छे से प्रोसीड होंगी। हीलिंग के दौरान हम थोड़ा काम हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज जो है वो बैलेंस हो जाती हैं,
तो इसलिए हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए हीलिंग जो है वो यूनिवर्स की तरफ से होती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी हीलिंग हो रही है। उसके बाद जो आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएंगी। द हेरोफेंट, द हेरोफेंट का कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास सभी तालों की चाबियां हैं, आप चाहे तो अपनी किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। जो पर्सनल लाइफ की आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी जो भी नेगेटिविटी आपको उसके अंदर दिखाई दे रही है, आप उससे बाहर आ सकते हैं। आपके पास हर ताले की चाबी है, तो आप बस आपको करना ये है कि आप अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लीजिए। आप अपने पर्सनल लाइफ को किस तरह से पॉजिटिव वे से में लेते हुए आगे प्रोसीड करते हैं, तो आप जैसे ही अच्छी तरह से प्रोसीड करना शुरू करेंगे तो आपकी जीत होगी। ओके, लीब्रा, आपके लिए हमारे पास यूनिवर्स से जो सजेशन आया है वो आया है टू ऑफ वांड्स का। टू ऑफ वांड्स ये कहता है यदि अभी आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में कहीं आउट ऑफ कंट्री या किसी दूसरी स्टेट में जाके जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो अच्छा समय है, आप कर सकते हैं। या आप जॉब या बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आप काफ़ी दूर तक भी सोच रहे हैं। और अगर आपके पर्सनल लाइफ कुछ सही नहीं चल रही थी तो आप उसके लिए भी कुछ सोच रहे हैं, दूर तक की चीज़ों को सोच रहे हैं कि उस चीज़ को किस तरह से सही किया जाए या किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो यूनिवर्स आपको ये सजेशन दे रहा है कि आप अपनी नेगेटिविटी को हटाइए और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आप दूर तक की चीज़ों को देखिए और समझिए। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के उससे देखते हैं तो आप ये ट्रैवल का कार्ड माना जाता है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी कहीं जर्नी हो सकती है, आप घूमने भी जा सकते हैं, तो या फिर आप जॉब के पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से बाहर जा सकते हैं और आप अपनी चीज़ों को दूर तक देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एक्वेरियस जेमिनी और लीब्रा की दिसंबर फर्स्ट वीक की एनर्जीज़। तो आई होप यू लाइक इट एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर। और कीप स्माइल, स्टे फिट एंड सेव वाटर। थैंक यू।